हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश अकेडमी भद्रचूर एंड वी आर लर्निंग टेंस एंड इन द टेंस वी आर इन दिस वीडियो वी लर्न प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सेंटेंसेज. ओके स्टार्ट टू राइट लिखना शुरू करें. अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस बनाएंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके विच टेंस वी डिस्कस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. यू हैव लर्न ना फॉर्मूलाज ऑलरेडी यू हैव लर्न फॉर्मूला आपको आता है. देन In this video, we make sentence positive, negative, and interrogative sentence. वह पढ़ रहा है. First of all, we discuss which tense this sentence. कौन से tense का ये sentence है? तो our answer हमारा आंसर होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. कौन से टेंस का? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. नाउ टेल मी सब्जेक्ट. हु इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? वह. वह एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज ही. व्हाट वी से? ही. ओके राइट. ही इज सिंगुलर या प्लुरल? सिंगुलर. सो वी यूज इज. इसलिए हमें किसका प्रयोग करना है? इज का. ओके ही इज. व्हाट ही डूइंग? ही क्या कर रहा है? रीड. रीड. रीड इज फर्स्ट फॉर्म. रीड देन आई एन जी. ही इज रीडिंग. ही इज रीडिंग. ओके विच टाइप ऑफ दिस सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस. कैसा सेंटेंस है यह? पॉजिटिव. ओके नाउ वी डिस्कस नेगेटिव. इफ यू वांट टू दिस सेंटेंस इनटू द नेगेटिव सेंटेंस वी यूज नॉट आफ्टर इज. इज के बाद में नॉट लगाएंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव बन जाएगा. ओके वह नहीं पढ़ रहा है. हु इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट कौन है? ही. ही इज नॉट रीडिंग. ही इज नॉट रीडिंग. रीड मीन्स पढ़ना और रीडिंग मीन्स पढ़ रहा. एंड ही इज नॉट रीडिंग. वह नहीं पढ़ रहा है. इफ यू वांट टू दिस सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव क्या वह पढ़ रहा है? क्या वह पढ़ रहा है? तो व्हाट्स योर आंसर? इज ही रीडिंग? इज ही रीडिंग? इज ही रीडिंग. ओके इज ही रीडिंग. नाउ वी वांट टू मेक प्लूरल सब्जेक्ट. जैसे वे पढ़ रहे हैं. वे पढ़ रहे हैं. तो हु इज सब्जेक्ट? वे. व्हाट वी से? दे. दे
सब्जेक्ट प्रुलर शो क्रिया प्रुलर आर दे आर रीडिंग दे आर रीडिंग ओके वे नहीं पढ़ रहे हैं वे नहीं पढ़ रहे हैं व्हाट्स योर आंसर आपका आंसर क्या होगा दे हु इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दे दे आर व्हाट वी यूज नॉट दे आर नॉट रीडिंग दे आर नॉट रीडिंग ओके क्या वे पढ़ रहे क्या वे पढ़ रहे हैं क्या वे पढ़ रहे हैं क्या वे पढ़ रहे हैं व्हाट्स योर आंसर आपका क्या आंसर होगा फर्स्ट ऑफ ऑल आर आर को आगे लाना है आर दे आर दे रीडिंग आर दे रीडिंग क्या वे पढ़ रहे हैं आर दे रीडिंग आई वॉन्ट टू शे यू इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर सो यूज इज अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हैं देन वेन वी यूज इज देन वी यूज इज ऑफ सब्जेक्ट इज प्लूरल एंड सब्जेक्ट प्लूरल है वेन वी यूज आर ओके एंड इन नेगेटिव सेंटेंस यूज नॉट विथ हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा एंड इफ यू वांट टू इंट्रोगेटिव व्हेन हेल्पिंग वर्ब इज फर्स्ट प्लेस आर इज फर्स्ट प्लेस देन सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी आवर सेंटेंस बिकम इंट्रोगेटिव सेंटेंस नाउ वी मेकिंग मैं पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ हु इज सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन है आई कौन पढ़ रहा है मैं एंड व्हाट वी शे मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स आई आई एम रीडिंग आई एम रीडिंग ओके मैं नहीं पढ़ रहा हूँ मैं नहीं पढ़ रहा हूँ आई एम नॉट रीडिंग आई एम नॉट रीडिंग मैं नहीं पढ़ रहा हूँ व्हाट्स योर आंसर आई एम नॉट रीडिंग क्या मैं पढ़ रहा हूँ क्या मैं पढ़ रहा हूँ दिस सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव यह हमारा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव होगा एंड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी राइट हेल्पिंग वर्ब एट फर्स्ट प्लेस एम आई रीडिंग एम आई रीडिंग एम आई रीडिंग
ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स व्हाट यू लर्न इन दिस वीडियो वी लर्न इट्स सब्जेक्ट इज सिंगुलर व्हेन यूज इज सब्जेक्ट सिंगुलर हैं व्हेन वी यूज इज इफ यू वांट टू नेगेटिव नेगेटिव बनाना है व्हेन वी यूज नॉट एड नॉट विथ इज इज के साथ में नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा एंड इंट्रोगेटिव इफ वी वांट टू सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव अगर हमें प्रश्नवाचक बनाना है देन इज इज फर्स्ट प्लेस वी राइट इज इट फर्स्ट प्लेस इज ही रीडिंग इज ही रीडिंग वे पढ़ रहे हैं हुज सब्जेक्ट दे दे मीन्स वे प्लूरल सब्जेक्ट सो वी यूज आर दे आर रीडिंग दे आर रीडिंग वे नहीं पढ़ रहे हैं प्लूरल दे नहीं सो वी यूज नॉट दे आर नॉट रीडिंग दे आर नॉट रीडिंग क्या वे पढ़ रहे हैं आर दे रीडिंग हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट प्लेस पे आर दे रीडिंग ओके आर दे रीडिंग देन नेक्स्ट मैं पढ़ रहा हूँ आई विथ यूज एम I am reading. मैं नहीं पढ़ रहा हूँ I am not reading. I am not reading. And क्या मैं पढ़ रहा हूँ Am I reading? Am I reading? Am I reading? So dear students, we learn in this video where we use a helping verb and subject is singular when verb is singular and if the subject is plural then verb is plural. अगर कर्ता एकवचन है तो क्रिया भी एकवचन आएगी and कर्ता अगर बहुवचन है तो क्रिया भी हमारी plural आएगी या आई मीन बहुवचन आएगी. So dear students. And write all sentences in the notebook and learn all the sentences and don't forget to subscribe the channel like the videos and complete the work okay वह पढ़ रहा है तो he is reading और वह अगर वह लिख रहा है तो he is writing he is writing वह खेल रहा है तो he is playing वह दौड़ रहा है तो ही इज रनिंग वह सो रहा है तो ही इज स्लीपिंग ओके पीछे वाली वर्ब चेंज करेंगे तो उसके काम का मेथड भी जो है चेंज हो जाएगा वह नहीं लिख रहा है तो ही इज नॉट राइडिंग वह नहीं खेल रहा है इज नॉट प्लेइंग वह नहीं सो रहा है इज नॉट स्लीपिंग वह नहीं दौड़ रहा है इज नॉट रनिंग क्या वह पढ़ रहा है इज ही रीडिंग क्या वह लिख रहा है इज ही राइटिंग क्या वह दौड़ रहा है इज ही रनिंग क्या वह सो रहा है इज ही स्लीपिंग ओके वे लिख रहे हैं दे आर राइटिंग वे खेल रहे हैं दे आर प्लेइंग वे सो रहे हैं दे आर स्लीपिंग वे आ रहे हैं दे आर कमिंग ओके एंड वी यूज नॉट देन नेगेटिव एंड हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट प्लेस देन इंट्रोगेटिव I am reading, I am writing, मैं लिख रहा हूँ I am playing, मैं खेल रहा हूँ I am jumping, मैं कूद रहा हूँ I am sleeping, मैं सो रहा हूँ I am talking, मैं बात कर रहा हूँ I am laughing, मैं etc. So dear students, make two much sentences in the notebook. आपको अपने according sentence के बहुत सारे sentence बनाने and learn और उनको याद करना है Complete the work, subscribe the channel and stay in home, live happy
एंड लिव हेल्थी. ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो जी.